सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। और अब तरश ई स्पोर्ट्स का वीक 2 स्टार्ट हो चुका है और आज डे 1 था जो कि अभी खत्म हो गया है। बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल के आज के कुछ अच्छे फाइट और साथ में 17 फिनिशेस के साथ टीम सोल ने चिकन निकाला था, आपको वो देखने को मिलेगा। और साथ में सोल वर्सेस गॉडलाइक की फाइट जहाँ पे सोल मान्या ने 1v3 किया था गॉडलाइक को, और कुछ अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सो मैच में जाने से पहले चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, जो हमारा गोल है वो है 59K सब्सक्राइबर का। सो जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, एंड अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। बहुत ही आगे अपने करने की कोशिश की गई थी, क्या नॉक होंगे? ओह माय गुडनेस, बहुत कम एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं। स्ट्राइकर स्ट्राइक किया तो है, लेकिन अब रॉनी की तरफ बढ़ेंगे। रॉनी डज हैव अ फर्स्ट एड किट आई बिलीव, और अब वो फटाफट से हील करेंगे, लेकिन इट्स अ 1v2 सिचुएशन। रॉनी की तरफ जाना चाहूंगा, दो खिलाड़ियों का प्रेशर, क्या ये खिलाड़ी खेल पाएंगे? क्या रॉनी पाजी यहाँ पे मिस्टर स्प्रे एंड स्ट्राइकर को टेक डाउन कर पाएंगे? स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है मिस्टर स्प्रे मुश्किल हो सकती है जितना ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए ग्रेनेड नॉक होते होते बच गए, और ये रॉनी को अंदाजा है सामने से प्लेयर आते हुए। रॉनी जंप शॉट देने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे रॉनी कनेक्ट कर पाएंगे? जी हाँ, मिला है कनेक्शन। अनदर प्लेयर ओवर देयर, मिस्टर स्प्रे एक्सट्रीमली लो एचपी पे है, और रॉनी का ये ग्रेनेड गलत जगह। अकेले खिलाड़ी, लेकिन अब आईक्यू सोल के बचे हुए सभी खिलाड़ी आ चुके हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि मिस्टर स्प्रे की खैर नहीं। आतिशबाजी इनसेन भाई, आतिशबाजी, जिस तरीके से टीम आईक्यू सोल आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से इन लोगों ने बीजीएमआई का स्तर ऊपर, गाड़ी का सहारा, राउंड एंड राउंड घूमते हुए हाइड्रा स्पर्श भी आ चुके हैं यहां पे। व्हाट इज हैपनिंग गाइस, पर्श को भी गाड़ी से टाउन कर दिया है। यहाँ एक अलग ही वेहिकुलर कंटेस्टमेंट देखने को मिल रही है, और अभी एक और प्लेयर डाउन होते हुए, गॉडलाइक सिर्फ 3 खिलाड़ी के साथ आए थे, न्यू प्लेयर अकेले बच गए हैं। जेली डाउन, ट्राई आउट फिनिश हो गए हैं, और अब न्यू प्लेयर क्या फाइट में जाएंगे? नहीं, अभी जाएंगे कंपाउंड की तरफ, उसके बाद सोचेंगे कि अब आगे कैसे खेलना है। एक और लाइनअप एलिमिनेट होता हुआ, हाइड्रा का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आया। गॉडलाइक की तरफ से सिर्फ आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, और आगे हमें टीम जीरो के दक्ष भी नजर आ रहे हैं लिपोका पे। देखिए इनसेन भाई, इस तरीके का एग्रेशन, इस स्तर का एग्रेशन शायद ही हमने पहले कभी देखा है, बट पॉइंट सिस्टम बदलते हुए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी है। अभी पहले सर्कल, दूसरे सर्कल के अंदर ज़्यादातर टीम्स फाइट्स लेने की कोशिश कर रही है, और जैसा हमको पता है ऑफिशियल सीज़न आने वाला है धीरे धीरे, आज से तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गए, तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है डेफिनेटली जाके रजिस्टर कीजिए, और इस चैनल को, ऑप्टिमस्ट ईस्पोर्ट्स को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 495,000 का टारगेट आज हमारे पास है। बट फिलहाल के लिए टीम जीरो के दक्ष वो यहाँ पे हो जाएंगे। कमला पसंद भी कोशिश करेंगे तुरंत आ जाए और इन बुलेट्स के जो स्प्रे है इससे बच सके, लेकिन अभी चलिए गॉडलाइक के न्यू प्लेयर को भी शट डाउन कर दिया है। टीम गॉडलाइक का भी खात्मा होता हुआ आईक्यू सोल के द्वारा, और अब 7 फिनिश स्मोक्स का इस्तेमाल की जाएगी ऑन द अदर साइड। देखिए काफी ज्यादा स्विचेस हमको देखने को मिल रहे, जिसके कारण शायद बहुत अब्रप्ट फाइट्स हो सकते हैं। टीम आईक्यू सोल ने शॉट लेना स्टार्ट कर दिया, ग्रेनेड का प्रहार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी अपराइजिंग राइवल्स येट टू गेट इनटू द फाइट। इस पावर द्वारा समीर को शट डाउन करना किया गया है, ये लमाओ नजर आ रहे हैं आगे कंपाउंड्स के अंदर, हमें आईक्यू सोल का स्क्वाड नजर आता है, आरी रॉक्स का शट डाउन हुआ है, जादू भी डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। टीम अपराइजिंग राइवल सोच रही है वेयर इज दिस फाइट हैपनिंग सामने की तरफ, लेकिन अभी इनको एंगल नहीं मिल पा रहा है, विजन नहीं मिल पा रहा है, और अभी तो जो कवर है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आईक्यू सोल को कंपाउंड छोड़ना पड़ा। एंड नाउ बैटल इज एंटायरली इन द ओपन, इस जगह पे कौन सी टीम जीतेगी? एक तरफ है अपराइजिंग राइवल्स, दूसरी तरफ है टीम आईक्यू सोल, और सामने बात करें जेनेक्स एफएम के एक खिलाड़ी और उनके बगल में 8-bit चले। देखिए काफी ज्यादा खिलाड़ी एटबिट की तरफ से, बहुत लो इन टर्म्स ऑफ एचपी, बट क्या बढ़िया कनेक्शन एस पावर के, इनफैक्ट एस पावर नहीं, पावर रेंजर 2 है, पावर रेंजर 2 के द्वारा बहुत बढ़िया कनेक्शन, एक 1v2 यहां पे हो सकता था, बट गाड़ी फट गई, और फट के दोनों को चार चांद लगा दे। यहां पे आईक्यू सोल कोशिश करेंगे रिकवरी पाने की, 12 फिनिशेस उनके पास ऑलरेडी है, बट 8-bit का जो अग्रेशन है वो काफी लाजवाब, बस माइटी बचे हुए काफी ज्यादा लो एचपी पे। यहां पे थर्ड पार्टी करने का मौका रह जाएगा दूसरी टीम के पास, अपराइजिंग राइवल्स, बट क्या वो कर पाएंगे? अब 2 टीम बची हुई है, एक है अपराइजिंग राइवल्स और दूसरी है टीम आईक्यू सोल। एक अलग लेवल का गेम प्ले आईक्यू सोल के द्वारा देखा, तो वहीं पे अपराइजिंग राइवल्स की तरफ भी हमें एक अलग अग्रेशन देखने को मिला है। दोनों तरफ अच्छे खासे फ्रैग, दोनों तरफ 4 खिलाड़ी, नहीं अब 4 नहीं, 3 नहीं, 2 पायो डाउन हो चुके हैं, क्यों लमाओ एंड निंजे। अब टीम आईक्यू सोल का पुश आने वाला है, ग्रेनेड का प्रहार करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन एक और ग्रेनेड लगेगा एस पावर का, क्यों लमाओ को करेंगे डाउन, निंजे आखिरी खिलाड़ी, ही गेट शॉट टीवी मानिया द्वारा जेली को डाउन कर दिया गया है। गॉडलाइक न्यू प्लेयर अकेले बचे हैं,
बट अभी रिवाइवल तो हो जाएगा। ट्रिगर पावर रेंजर 2 को कंफर्म करेंगे। अभी भी नॉक मिला था, कंफर्मेशन भी तुरंत आ चुका है, लेकिन आ जाइए स्क्रीन पे, सब्सक्राइब तो कर ही देंगे हमारी जनता, फटाफट से लाइक भी कर देंगे। और अभी के लिए टीम गॉडलाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एलिमिनेशन होता हुआ टीम गॉडलाइक का भी, लेकिन आई कुछ सोल ये हाई ग्राउंड है और अब यहाँ से तो नीचे जाना पड़ेगा। पावर नजर आ रहे कंपाउंड के अंदर और अभी मुझे ऐसा लग रहा है मान्या को एक बेटर विजन मिल सकता है। सामने फाइट हो रही है, मान्या के ऊपर शॉट्स आते हुए, क्या टेक डाउन होंगे? जी हाँ, विंड गॉड मैक्स यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हुए सिचुएशन को, और नीचे से गॉड्स रेन भी देख रही है। विंड गॉड अभी के लिए तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही है सदा जी, लेकिन आगे क्या, बिकॉज आगे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और अभी आईकू सोल के पावर अब जीवित है, डेल्टा भी जी को डाउन कर दिया गया है उनके द्वारा। आईकू सोल के पास ज्यादा मैन पावर है नहीं अभी, और आईकू सोल प्रयास करेगी उस जो बची मैन पावर है उसे रखने की ट्राई करेगी, ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करने की टीम आईकू सोल। अब तो यहाँ पर एक ही खिलाड़ी आपको मात्र एस पावर बचे देखेंगे और यहाँ से सुपर पावर करने की आवश्यकता थी नहीं, परसेंट वापिन होते देखेंगे जरूर से, बट विंड गॉड अब किस स्थिति में बच चुके हैं वो देखिए। 5 टीमें मात्र है, एस पावर शोगन का भी कंफर्मेशन, रिक्स डाउन हो चुके मैक्स तो हाई बगैर ये फाइट अभी के लिए निकाली जरूर है। टीम फॉरएवर का भी इस दौरान एलिमिनेशन और दूर बैठी टीम आईकू सोल देखिए आ तो जरूर थी और मुझे लग रहा है कि शायद अब गॉडलाइक को सरप्राइज करने के इरादे से आ चुकी है और जरूर देखना चाहेंगे ट्राई आउट और टीम आईकू सोल अब किस प्रकार की भिड़त देखने को मिलेगी। वो नॉकआउट ट्राई आउट का भी हो चुका है, अब देखना यह है कि न्यू प्लेयर और साथ साथ जेली इनका ये डुओ है किस प्रकार टैकल कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए तो देखिए अंधाधुंध वो घुस चुके हैं, एक एक एंगल्स को चेकआउट कर रहे हैं। अभी के लिए न्यू प्लेयर ग्रेनेड है जरूर उनके हाथ में, लेकिन उससे क्या नॉकआउट मिल पाएगा? जी नहीं, शायद दूसरा एंगल को उनको चेकआउट करना चाहिए था, बट अभी के लिए एक अच्छी कोशिश, लेकिन एक 1v3 क्या मान्या ने निकाल दिया। जी हाँ, 3 फ्रैग मान्या के अगेंस्ट टीम गॉडलाइक, ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करने। आसपास के इलाके के ऊपर एक अच्छी स्काउटिंग रखना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ एक गलत मूव हो, हल्का सा ओपन मैच टीम और फिर उसके बाद पकड़ा जाएगा टीम आईकू सोल को। मगर इनके दो प्लेयर्स, एक टुकड़ी जो है वो बहुत दूर निकल चुकी है और बाकी प्लेयर्स आपको हल्का ज़्यादा दूर देखेंगे, बट डीजे वो शॉट्स पड़ने शुरू हो चुके हैं, पीछे से खिलाड़ी आएंगे और वो ज़्यादा दूर नहीं, वो एक्चुअली एक फ्लैग एंगल बना रहे मान्या, उस एंगल का फायदा ऐसा हुआ कि खिलाड़ी को डाउन करने में सक्षम रहेंगे, बट ये प्लेयर यहाँ से तो डाउन होता देखेगा आपके खिलाड़ी। और लीजिए इवन स्टीवनो की सिचुएशन साथ के साथ वो कन्फर्मेशन, बट इतनी देर बाकी बैठा हो चुके हैं। स्लग वो आखिरी आपको बच्चे दिखेंगे, एक और शॉटिंग का मौका रहेगा, एक और मैन को डाउन कर सकते हैं, बट अगेन इसके बाद भी सराइल मुश्किल है, शॉट्स आप ही पड़ रहे हैं, बहुत कम हो चुकी है। सही टाइम पे वो कवर फहराता देखा आपको निंजा भाई के द्वारा और इतने देर में स्लग को फर्स्ट हिट पॉप इन करने का समय मिल गया, वरना यहाँ से स्लग का एक प्रॉपर कंफर्मेशन आपको आता देख सकता। आपने ध्यान दिया होगा टीम एक्स पार्क भी अब आ चुकी है इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए, काफी दूरी पर है बट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो भी एंट्री करते नजर आ जाए, लेकिन वो एक नॉकआउट की दरकार कर रही है, कोशिश कर रहे हैं वो नॉकआउट मिल जाए। निंजा बॉयज एग्जैक्ट चलाइए ताकि वो कंफर्मेशन आपका ना निकलता नजर, लेकिन सामने मान्या ग्रेट कुक करके बैठ रखे, हो सकता है ये ग्रेट का वो इस्तेमाल करते नजर आए और उसमें निंजा बॉय फंसते नजर आ सकते हैं। टीवी भी का सारा जरूर लिया जाए, लेकिन जी नहीं गंध एक तरीके से ग्रेट कैंसिल करते उन्होंने, स्विच करा डीबीएस पे और क्या कमाल का वो फटका, पहले ग्रेनेड से डैमेज दिया फिर उसके बाद उड़ते हुए डीबीएस से आया और एक फटका भी दिया, और मान्या ने क्या तगड़ा गेम निकाला है। देखिए 5 फिनिशेस है टीम आईकू सोल के, पांचवा जमाने का छठा भी बनता दिख सकता था, बट चलिए सही टाइम, स्टेज 1 चल रहा है अभी, स्टेज शायद स्टेज 2 का आगाज हो चुका है, बट कार्निवल गेमिंग उनको तो अंदाजा भी नहीं था, आराम से इतमान से गटका का वो रीजन लूट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट तुरंत ही उनका भी एलिमिनेशन। बट आईकू सोल नहीं रुक रही है अभी के लिए, देखिए गई थी स्कूल रीजन की तरफ बट वहां से भी तुरंत उन्होंने गाड़ी मोड़ी है और अब 8-bit की तरफ वो गाड़ी लगा दी गई है। जी हाँ, तुरंत ही गाड़ी लगाएगी, लेकिन उस दौरान उस फाइट के दौरान उस झड़प के दौरान आईकू सोल के भी कुछ खिलाड़ी नॉकआउट हुए थे, कंफर्मेशन आएगी उसी के साथ। टीम गॉड्स बिखरती दिखी और बिखराया किसने, विस जॉर्ड ने, पता भी नहीं चला कि कहां खिलाड़ी एक वेट कर रहा था, लेटा हुआ था, और टीम गॉड्स ट्रेन को भी बाहर का रास्ता, छठे पायदान पर उनका एलिमिनेशन, बट बहुत जल्दी हम देखिए टॉप अपने नाम निकालेंगे टीम हीरो के, और अब फाइनली आईकू सोल ने भी दस्तक दे दी है, बट अब ध्यान रखेगा एक खिलाड़ी डाउन है बस, बाकी और नहीं है यहाँ से, वो एक खिलाड़ी डाउन है टीम आईकू सोल के, तो पूरे नंबर्स है, वो यहाँ से इसका फायदा उठा सकते हैं, डैमेज दिया, नॉकआउट किया, एक एक खत्म कर सकते थे बट एक एक को खत्म किया उस नॉकआउट के साथ, उस ड्राइव आई के साथ, और अब यहाँ से टीम आईकू सोल बची तो है, बट अब देखना दिया कि इनके पास जो एक ही प्लेयर बचा है, जो एक प्लेयर को समाप्त कर रहे थे वो अभी एक प्लेयर के साथ है, टीम ओजी के विजगॉड अगर वो आगे बढ़ना शायद एक बार को रोक सकते थे आईकू सोल को, बट वो बहुत दूर, प्लीज उनके नॉकआउट ना हो जाए, बट मुझे लग रहा है शायद पहुंच जाएंगे यहाँ पर, बट आईकू सोल तैयार है इस बैटल के लिए, काफी अच्छा जिगल और WSB को निकालेंगे, लेकिन जी नहीं कोशिश काफी अच्छी थी,
पावर रेंजर, बट अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा नहीं क्योंकि 1v2। बाकी आपको डीम सोल का आज का वो 17 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो लीडोमा एशिया का टूर्नामेंट था, आज ग्रैंड फाइनल का लास्ट डे था, उसका आपको फाइट कल देखने को मिल जाएगा। और बस ये था आज का वीडियो। बाकी अगर आपने डीम सोल का कल के कुछ अच्छे फाइट और कुछ क्लचेस बैक टू बैक 1v4S पावर का अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। तो बस यही था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग।